साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम संकारा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम बघेल का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने पाटन के ग्राम पंचायत साकरा में कुल 444 करोड़ रुपए की लागत के साथ 88 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी यूनिवर्सिटी के भवन का शिलान्यास भी किया है। तो वही रिजर्व बैंक के 2000 के नोट को वापस लेने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस फैसले पर कहा कि ये फैसला थूक को चाटने जैसा है। बता दें कि 2000 के नोट को आरबीआई वापस ले रही है, उस पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरबीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे ब्लैक मनी पर कड़ा प्रहार बता रही है। में भी सियासत देखने को मिली। वही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं थूक को चाटने जैसी बात होगी, क्योंकि केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों ने ही मिलकर 2000 के नए नोट को 2016 में लॉन्च किया था, जिसे अब खुद ही भाजपा, यानी कि यू कहे कि जो केंद्र सरकार है और जो आरबीआई है, वो मिलकर बंद कर रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नरवा घुरवाबाड़ी और रोका छेका योजना के तहत गाय को संरक्षित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण करा रही है और गोबर खरीदी करके महिला स्वयं सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए रोजगार देने की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान आज से शुरू किया गया है, जहां आज महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू जनपद क्षेत्र के लूकापारा गांव के गोठान पहुंचे और गोठान का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज वो पैसा गोठान के नाम से जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ कंपोस्ट खाद बनाई नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं, और यहाँ कंपोस्ट खाद बन गया, बिक गया लूकापारा के नाम से। यहाँ कहीं पर पैरा आया नहीं, पैरा आ गया, गाय गौ माता कहाँ से खा गई। अब इस प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट, 20 लाख रुपया हर गोठान में, 19 लाख लग रहा है। अच्छी बात ये है कि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है और भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो 2023 के चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के जनता के सामने आएंगे। जबकि नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की शुरुआत जब कांग्रेस सरकार में भूपेश जी ने जब शुरुआत की थी, तो इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और यहाँ तक कि इंग्लैंड की संसद में भी। सब किसान हैं, गांव में हमारा मुख्य स्रोत है गाय का पालन करने का। हमको तो पहले ये खुशी हुआ कि गौठान बनेगा, गांव में गौ माता रहेंगी, यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद मिलेगा, किसानों में उन्नति होगी, ये खुशी थी। लेकिन आज सबके सब ये भूपेश बघेल ने लूट का जो मटियामेट करके पूरा पैसा खा के, 15वां वित्त का पूरा पैसा खा के। खबर जगदलपुर से है, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, प्रतिनिधि मंडल और कार्यकर्ताओं ने गौठान का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी साथ रहे। वही गौठान में गाय के रखरखाव के लिए समुचित व्यवस्था तक नहीं पाई गई। ऐसा लग रहा है यहाँ गाय कभी थी ही नहीं। छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण के लिए एक प्रदेशव्यापी चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान शुरू करना तय किया गया है। यह अभियान 20 मई से शुरू हुआ है, जिसमें हर मंडल में प्रदेश के नेतागण जाएंगे और सभी नेतागण कम से कम 10 गोठानों का दौरा करेंगे। भुगतान नहीं हुआ है, 2 साल से वो भटक रहे हैं। कितने बार उस जनपद के ऑफिस जाएंगे, कितनी बार सीओ जिला पंचायत के ऑफिस जाएंगे, कितनी बार सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच स्वयं त्रस्त हैं, क्योंकि
ये जिस तरीके से इन्होंने एक वातावरण पैदा किया और वातावरण पैदा करके आज यहाँ पर पूरे कार्य को अधूरे स्थिति में इन्होंने छोड़ दिया है। और आज सरपंच कर्ज लेकर के हमारे कहते हैं इन स्वसहायता समूह को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अब खबर जगदलपुर से है, जहां संसदीय सचिव और विधायक रेख चंद जैन ने बीटी रिन्यूअल कार्य और आंगनबाड़ी निर्माण का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर रेख चंद जैन ने कहा कि इन कार्यों से संतोषी वार्ड के विकास को गति मिलेगी और वार्ड में लगभग 24 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान अन्य अतिथियों ने राज्य सरकार की ओर से संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी अपने संबोधन में दी है। बस्तर के ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के संरक्षण में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए जलकुंभियों के समूल खात्मे के लिए 2000 बैक्टीरियल ई वॉल पहली बार प्रायोगिक तौर पर डाले गए हैं। साथ दलपत सागर से जलकुंभियों को नष्ट करने के लिए 260,000 ई वॉल बैक्टीरियल ई वॉल लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः 14 प्रकार के बैक्टीरिया शामिल हैं। तो वहीं डीएम विजय दयाराम ने आसना स्थित बादल अकादमी में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ ही बादल अकादमी में संचालित गतिविधियों के विस्तार पर समाज प्रमुखों और उनके सदस्यों के साथ चर्चा की। साथ ही उन्होंने बादल संस्थान द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने विभिन्न जनजातीय समुदाय की परंपराएं, संस्कार, रीति नीति के अभिलेखीकरण का कार्य 15 जून तक पूरा करने को कहा है, ताकि उनका शीघ्र प्रकाशन किया जा सके। वहीं इस अवसर पर संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। नेरीली कमली भासी की सड़क जर्जर हालत में होने के बाद भी विभाग की नजर से वो दूर है। वन विभाग इन सड़कों की मरम्मत के लिए किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। बता दें कि बरसात के महीने में सड़क को पानी के तेज बहाव ने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन अब तक विभाग इस सड़क की मरम्मत का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।